एसबीआई बैंक का ये कैसा सिस्टम, पैसे निकालने के कुछ दिन बाद फिर करवाना पड़ रहा है केवाईसी अपडेट। खबर पोहरी क्षेत्र से है, जहां बैंक की लाइन में महिलाएं परेशान होती नजर आ रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि महिलाएं दूर दराज के इलाके से आकर सुबह 6 बजे ही भारी सर्दी में बैंक के बाहर आकर बैठ जाती हैं और शाम तक भूखी प्यासी अपने नंबर का इंतजार करती रहती हैं। जानकारी के अनुसार पोहरी में एसबीआई बैंक की एकमात्र बैंक है, जिसमें पोहरी एवं आसपास के लोगों के खाते हैं और बैंक की समस्त कार्यवाही पोहरी के एकमात्र बैंक से की जाती है। पर बैंक की लचर व्यवस्था के चलते ग्राहकों को परेशान होना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाएं उठा रही हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के केवाईसी अपडेट को लेकर ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर आदिवासी महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनको एक बार पैसे निकालने के बाद दोबारा केवाईसी अपडेट के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जहां पर महिलाओं को लाइन में तीन दिन खड़ा रहना पड़ रहा है। ग्राहकों का आरोप, विशेष लोगों को बैंक के अंदर बुला कर दिया जाता है। कार्य बैंक पर खड़े लोगों ने बताया कि पोहरी बैंक में विशेष लोगों या पोहरी के रहने वाले लोगों की बैंक के अंदर बुला लिया जाता है और उनके सभी कार्य कर दिए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर पहचान वाले लोग होते हैं। ठंड में बैंक के आगे छिछुड़ती ग्राहक पर अलाव का कोई इंतज़ाम नहीं है। आपको बता दें कि बैंक के ग्राहक महिलाएं व पुरुष दूर दराज गाँव से सुबह 5 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं, पर बैंक की लापरवाही के चलते इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं बैंक के आगे अलाव न जलने के कारण भी सुबह से ही लोग सर्दी में छिछुड़ते नजर आते हैं। आरबीआई के नियमों का पोहरी बैंक कर रहा उल्लंघन। आपको बता दें कि आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि बैंक कर्मियों द्वारा लंच टाइम बोलकर ग्राहकों के साथ अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। रिजर्व बैंक ने साफ साफ बताया है कि कार्य अवधि में बैंक कभी भी अपने काउंटर या ट्रेलर बंद नहीं कर सकते। कार्य अवधि में यदि कोई खाताधारक पहुंच गया तो उसके कार्यों का निष्पादन बैंक को करना ही होगा, चाहे उसे कैश को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए कार्य अवधि क्यों ना बढ़ानी पड़े। लेकिन पोहरी बैंक आरबीआई के नियमों को ही ताक पर रखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बैंक कर्मचारियों द्वारा लंच समय में बैंक की कुर्सियां खाली कर दी जाती हैं, वहीं पर पूरा स्टाफ ही लंच करने के चक्कर में इधर उधर हो जाता है और इतने समय में ग्राहकों के काम प्रभावित हो जाते हैं और परेशान होते नजर आते हैं। पर बैंक प्रबंधन की अपनी ही मनमानी चल रही है, जिससे समय और समस्या बढ़ रही है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रचना। रचना, पूरा नाम? पूरा नाम रचना। आगे क्या लगाती हो? रचना आदिवासी। अच्छा, कौन से गांव से आई हो आप? उपसुर से। अच्छा, अभी यहाँ क्या करने आई हो? बैंक पर आए हैं सर, दो दिन के आते हैं यहाँ पे और सुनवाई नहीं करते हैं, गेट पे आते आते भगा देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। क्या समस्या लेके आई हो, क्या दिक्कत लेके आई हो तुम? खाता बंद हो गया है सर, का कहते नहीं थी बाएं चालू कराने आए हैं। मतलब खाता बंद हो गया, केवाईसी अपडेट वगैरह करके चालू करवाने आई हो? अच्छा, तो आपने पैसे कब निकाले थे अपने खाते में से? पैसा सर संक्रांत से पहले निकाले थे। कितने रुपए निकाले थे? 5,500 निकाले संक्रांत से पहले। ठीक है, अब महीना को पता नहीं है मैं कि महीना कौन सा। हाँ, संक्रांत से पहले निकाले थे। इससे पहले केवाईसी अपडेट कराया था? केवाईसी पहले 5,000 रुपये से पहले केवाईसी करवाई थी। 5,000 रुपये पहले निकालने से पहले केवाईसी अपडेट कराई थी, फिर आपने 5,000 रुपये निकाले संक्रांत से पहले, मतलब ये जनवरी में, और अभी ये 8-10 दिन निकले तो फिर से खाता बंद हो गया। फिर से खाता बंद हो गया। अच्छा, तो इनसे बैंक से बात नहीं हो पा रही है, क्या समस्या आ रही है? मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो क्या? यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे सर, पहुँच ही नहीं पा रहे। अभी कितने बजे से आए हो तुम सुबह? सुबह 8 बजे से निकले हैं घर से। 8 तो अभी बज रहे हैं। 7 बजे से। 7 बजे के निकले हुए, और कल भी कितने बजे इतने टाइम पे आए थे? कल इतने टाम पे आए थे सर, और 4 बजे हम यहाँ से चले गए, काम नहीं हुआ। सुबह 7 बजे के बैठे हो यहाँ पे? हाँ। तो मतलब तुम्हारे घर पे मतलब जो खाना वाना सब बना के आई हो या मतलब ऐसे ही चले आई हो? नहीं नहीं सर, अभी तो बीवी बच्चा और छोटी सी बच्ची है, अभी क्या काम संभालेंगे, दुकान है घर की, अभी तो परेशानी है, वो तो नो मान के चलो। तुम किसके साथ आई हो? परिवार के साथ, परिवार वाले हैं और का। अच्छा, क्या नाम है अपना? मेरा नाम देसराय आदिवासी है। अच्छा, कहाँ से आया तुम? हम आए अभी परच्चे से, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल भरते हैं और सुबह सुबह आते हैं, कुछ काम होता नहीं। परच्चे रहते हो? हाँ। तो कौन सी बैंक में खाता है? पोहरी बैंक में? पोहरी बैंक में है, स्टेट बैंक में। हाँ। तो क्या परेशान हो जाते हैं वो लोग, बीच में आते हैं और घुस जाते हैं। तुम क्या समस्या लेके आए हो? खाते में लोक हो गया है, बंद हो गया है। बंद हो गया है। पैसे वैसे कब निकाले थे? पैसे निकाले थे हमने करीबन 1 महीने बाद।
एक महीने पहले पहले उसके बाद में यही समस्या होती है। कितने पैसे निकाले? 2000 निकाले। इससे पहले कितने निकाले थे? उससे पहले 3 निकाले। अच्छा, तो उससे पहले केवाईसी अपडेट कब कराई थी? हर महीने करवा रहे हैं, जब भी पैसे आते हैं जब भी केवाईसी करवाना पड़ता है। जब भी केवाईसी करवाना पड़ता है, क्यों पता नहीं है क्या कारण है, जब पैसे आते हैं उससे पहले केवाईसी करवाना पड़ता है, केवाईसी अपडेट करवाना पड़ता है। तो अभी मतलब केवाईसी अपडेट कराने आए हो? कितने बजे आए? सुबह कितने बजे के आए हो? हम आए हैं, क्या ठंड पड़ रही है ना, तो आराम से ही आ रहे हैं। मोबाइल ही बंद हो गया होगा शायद, हमको एक घंटे दो उधर से आते, मतलब 7:30-8 बजे तक आया। हाँ। तो लाइन में लगने के लिए तीन दिन से लगातार आ रहे हो? लगातार आ रहे हैं, बिल्कुल 3 दिन। तो क्या लाइन में अंदर पहुंच नहीं पाते या क्या समस्या आती है? नहीं, पहुंच ही नहीं पाते हैं। आम आदमी पहले घुस जाते हैं, फिर खुद दुकान वाले दूसरे आदमियों को लेकर अंदर कर देते हैं। आम आदमी मतलब कौन? जे पहचान वाले, उनको अंदर कर देते हैं। पहचान वाले कौन अंदर चले जाते हैं? लोकल के? हाँ, लोकल वाले। लाइन वाले तो पीछे ही रह जाते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। तो ये एक ही काउंटर चल रहा है अंदर, है ना? हाँ, एक ही चल रहा है, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे, उस पे ही तुम केवाईसी अपडेट करवा रहे हो? हाँ। केवाईसी अपडेट होने के बाद फिर खाता चालू हो जाएगा, तब पैसे निकलेंगे, तब उसके बाद में दूसरे दिन निकलेंगे। तो किस चीज के पैसे आते हैं? मजदूरी के आते हैं? नहीं, जमीन के भी आते हैं और जो मोदी के भी आते हैं, इनके वो पैसे निकालने आए हो? आए। तो इसलिए परेशान हो रहे? परेशान है। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रेम। पूरा नाम क्या लिखते हो? प्रेम प्रिया। अच्छा, कहाँ से आई हो आप? हुसैनपुर से। कहाँ से? हुसैनपुर से। हुसैनपुर, ये कहाँ पड़ता है? बेटे खरई बागोदी था। खरई बागोदी था। अच्छा, वहाँ से आई हो? तो अभी तो आप ये कह रही थी कि गोंदरी से आई हो? अभी मैं मायके आई संक्रांत को। अच्छा, मायके आपका मोड़ा दूध बांधने गई मम्मी तुम्हें खा, और रहती आप वहाँ पे हो? मैं ससुराल है। अच्छा, ये बताओ यहाँ कितने बजे से हो? जे कल परसों आई मैं 10 बजे से, और 4 बजे भग गई। ठीक है। कल आई 9 बजे से, तो 9 बजे से भग गई कल बिना रोटी के आई, और आज 7 बजे की आई। तो क्या काम करवाने आई हो? क्या जो खाता चालू कराने आया। खाता बंद है? बंद है। मतलब 3 दिन में अभी तक खाता चालू नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो बैंक के अंदर पहुंच जाती हो या नहीं पहुंच पाती हो? जो गेट पे से बज रहा है 3 दिन आगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जे और लेन लगा देती है उन्होंने, तो लेन की लेन लगाऊ, और गेट पे आ जाते हैं जे कई बार 4 बज गए, 1 घंटा की लंच दे देते हैं वाले, खुद को साधे अंदर। हां, वो 1 घंटा की लंच दे देते भाई साहब, लंच दे देते 1 घंटा की, तो फिर सुताल लगते हैं, फिर वो नहीं चालू करते, तो फिर 1 घंटा बाद कई अब 4 बज गए भाई, फिर भाग जाते हैं। अच्छा, ये बताओ केवाईसी अपडेट कराने आई हूं, मतलब खाता चालू अभी कब से बंद पड़ा है आपका खाता? 1 महीना बाद पैसे निकाले तब वो कराई केवाईसी मैंने। 1 महीने पहले पैसे निकाले थे? कितने पैसे निकाले थे? 1300। 1000 मतलब 1300 रुपए निकाले थे अभी 1 महीने पहले। और केवाईसी कराई इससे पहले भी पैसे निकाले थे? तब केवाईसी अपडेट पहले कराई थी? पहले ही कराई। उसके बाद आप दिखाई दे तैयार पे दिखाई, भाई तुम्हारा खाता बंद। अच्छा, मतलब 1-2 महीने बाद ही खाता बंद हो गया? 1 महीना में निकालते हम, अब हम आए दिखवाई भाई। अच्छा, किस चीज के पैसे निकालने, मतलब क्या क्या मिलता है पैसे, मतलब किस चीज? पेंशन मिलती है? पेंशन मिलते भाई साहब। कितनी पेंशन मिलती है? 1000 मिलते है, ऐसे मिलती है, तो वहाँ 400 और बढ़ा है। अच्छा, 1000 रुपए पेंशन मिलती है, वो निकालने आई हो? किसके साथ आई हो? मैं भाई भैया के साथ आए। अच्छा, भैया मेरे चलो वो करो आप ही कर। अच्छा, सुबह 7 बजे की यहाँ पे बैठी हुई हो? 7 बजे के बैठे हैं भाई साहब। और अभी मतलब 7 बजे के लाइन में लगने के लिए? लाइन में 7 बजे की लाइन में लगी, खड़े खड़े 5 ऊपर लगी। अच्छा, और क्या समस्या आ रही है? समस्या और कुछ नहीं आ रही, यही आ रही है खा तो चालू कराना भाई साहब। अब मेरे पास भाई साहब मांस तो है नहीं, तो मैं जा पर तभी ध्यान ये बुआ के जाए बच्चे में, तो 2 दिन तो मेरा मोड़ा है घर है अभी। क्या नाम है आपका? विनोद। पूरा नाम? विनोद जाटव। विनोद जाटव, कहाँ से आए हो? माता का बिलवरा। माता का बैंक में किस काम से आए हो? बैंक पे आया माता जी का खाता चालू कराने। खाता चालू कराने। अच्छा, ये बताओ अभी लंच टाइम चल रहा था, कितने बजे से चल रहा था? 2 बजे से 2:30 तक। तो लंच टाइम में बैंक कर्मचारी काम कर रहे थे क्या अंदर? बैठे थे। कहाँ बैठे थे? लंच में रोटी खाने। खाना खाने? तो जो कुर्सी है जितने काउंटर पड़े हैं 1, 2, 3 जितने भी काउंटर लग रहे हैं सब कुर्सियाँ खाली थी क्या? तो रोज ऐसा ही होता है कि आज ही ऐसा होता है? जैसा ही हो रहा है, रोज लंच करने चल